नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो मेरा नाम विकास कुमार, आप विकास कुमार वीके चैनल को देख रहे हैं। तो आज हम आए हरदोई बस अड्डे पे, जो कि हमारे जिला का बस अड्डा है। तो आज हम सुबह आए थे मथुरा से, तो मथुरा से आ गए थे हरदोई, और यहाँ का आज हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो हरदोई बस अड्डे पे हैं अभी। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक की रोडवेजें मिलती हैं, कहाँ से कहाँ तक की बसें मिलती हैं, हम आपको आज बताएंगे। तो चलते हैं बस अड्डे के अंदर। तो फाइनली इस पे कुछ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, बस स्टेशन हरदोई का पूर्ण निर्माण सिलायंस श्री नरेश अग्रवाल जी। और ये अंदर का व्यूज़ है। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो हरदोई सिनेमा में ये दो एक मूवीज लगी है, कमांडो 3 आप देख सकते हैं। और ये है कुछ बाहर का सीन, इधर से एग्जिट होती है रोडवेज है बसें। तो ये बाहर का सीन है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है, और ये सीन है कुछ बस अड्डे का। तो फाइनली हम आपको हरदोई के बारे में बता देते हैं कि जो हरदोई की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, उससे 100 किलोमीटर की दूरी पे ये हरदोई है, और ये उत्तर प्रदेश का ज़िला है। तो यहाँ से हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ के लिए रोडवेज मिलती है, हम आपको नोटिस बोर्ड पे एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ से जयपुर, मथुरा, कन्नौज, हरदोई, शाहजहानपुर, लखनऊ, फर्रुखाबाद और दूर दूर सिटी जो लोकल सिटी है और बाहर के स्टेटों की भी यहाँ से बसें मिलती हैं। तो ये है पीछे का व्यूज़, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ से कानपुर या फिर दिल्ली के लिए जाना चाहते हैं तो दिल्ली के लिए भी बस अवेलेबल हैं, और कानपुर साइड के लिए भी। और आप पीछे का सीन देख पा रहे होंगे, बस अड्डे का सीन है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने गांव इसरापुर, और यहाँ से बस का इंतज़ार कर रहे थे, बस नहीं आ रही। तो हमने सोचा कि अपने ज़िले का जो बस अड्डा है वो भी दिखाया जाए। तो ये हमारे ज़िले का बस अड्डा है, रोडवेज बस अड्डा हरदोई। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है वैसे। तो अभी हम यहाँ कभी उस दिखा चुके हैं। अगर हमारा ये आपको छोटा सा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।